scared. He's been on a 2 hour, 3 hour trip. She. Oh, it was she? Yeah. Yeah, it's me. राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और साथ में क्यूट पपी। ये मुहावरा पुराना है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत में कब नाम पर फसाद हो जाए कोई नहीं जानता। अब सुनिए कैसे एक नाम पर सवाल उठ रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था, और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफी मांगेंगे? सवाल नाम पर ही है, क्योंकि सियासत को तो मुद्दा चाहिए और यहाँ नाम भी मुद्दा हो सकता है। इस बार मुद्दा राहुल गांधी के पपी का नाम है। गोवा से दिल्ली लौटे राहुल गांधी माँ सोनिया गांधी के लिए एक पपी लाए, नाम रखा नूरी। इस पपी का वीडियो राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल में अपलोड किया। अब तक लाखों लोगों ने इसे देखा। वीडियो देखने वालों में ओवैसी की पार्टी के नेता भी रहे होंगे, लेकिन पपी के नाम पर उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। सवाल खड़ा हो गया कि आखिर राहुल ने इस पपी का नाम नूरी क्यों रख दिया, जो कि तमाम उम्मत मुसलमान की बेटियों के अपमान से जुड़ा हुआ ये कृत्य है। क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्म के अनुसार तमाम बहनों का नाम नूरी रखा जाता है। भाईजान की पार्टी ने अपने मुताबिक मुद्दा तलाश लिया। पपी के नाम में उन्हें वो मुद्दा मिल गया जिसकी तलाश उन्हें सरगर्मी से रहती है। मामला माफी मांगने तक पहुंच गया। मांग हो रही है राहुल माफी मांगे। क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफी मांगेंगे? और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इस बात का हमें एहसास जरूर होगा कि मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में क्या है। एक नाम से भावनाएं हत हो गईं, सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े हो गए, माफी की मांग उठने लगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल अपने पपी को लेकर निशाने पर आए हों। नमस्ते करो, होल्ड करो, नो स्टे, होल्ड करो, स्टे, गुड बॉय। 29 अक्टूबर 2017 को राहुल गांधी ने अपने डॉग पीडी का एक छोटा सा वीडियो ट्वीट किया था। इस वीडियो के जरिए राहुल ने ट्वीट करने वालों पर सवाल उठाए थे, लेकिन तब खुद राहुल ट्रोलिंग का शिकार हो गए थे। तब सोशल मीडिया में तरह तरह के मीम्स के जरिए लोगों ने राहुल गांधी को निशाना बनाया था। और तभी असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने अपना वो मशहूर वाकया भी सुनाया था। All three along with Mr. C.P. Joshi went to Mr. Rahul Gandhi discussing on a serious matter relating to Assam and he was busy feeding his dog. Rahul Gandhi का पपी प्रेम पुराना है और इस प्रेम के कारण फिर एक बार राहुल विवाद में है। हालांकि इस बार विवाद पपी के नाम पर है।